बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बकरे के पाए घर बनाने का आसान तरीका। ये रेसिपी बिल्कुल मुख्तलिफ और आसान है। इस रेसिपी को आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें, बिना मुशक्कत और सख्त मेहनत के आप आसानी से घर में बकरे के पाए, जिन्हें हम आम जुबान में छोटे पाए कहते हैं, तैयार किया जा सकता है। तो ये होटल रेस्टोरेंट से बेहतरीन लेसदार नाश्ते के लिए आप तैयार कीजिए लाज जवाब से बकरे के पाए आसानी से घर पर। तो आइए बिस्मिल्लाह से आगाज करते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 4 अदद बकरे के पाए। देखिए, इनको मुकम्मल तौर पे साफ कर लिया है। तो ये साफ सुथरे बकरे के पाए ले लिए हैं। हम इनको सबसे पहले डालेंगे प्रेशर कुकर में और इसमें डाल देंगे पानी, जिसकी मिकदार है 3 ग्लास। उसके बाद हम इसमें डालेंगे प्याज दरमियाने साइज का कटा हुआ। साथ ही इसमें जाएगा लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच। और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे बारीक कुटी हुई अदरक 1 खाने का चम्मच। नमक जाएगा हसबे जरूरत हसबे जायका, मैंने 1 खाने का चम्मच लिया है। हल्दी पाउडर जाएगा आधा चाय का चम्मच। बस ये अज्जा डालेंगे, एक दफा हम इसको मिक्स कर लेते हैं। मिक्स कर लेने के बाद हम इसको दे देंगे प्रेशर। तो प्रेशर देना है, लेकिन पानी का बहुत ख्याल रखना है। पानी कम से कम इतनी मिकदार में होना चाहिए कि जो बकरे के पाए हैं वो आसानी से इसके अंदर डिप हो जाए। अब हम इसको देंगे प्रेशर। प्रेशर देना है तकरीबन आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के बाद इसको चेक करेंगे। तो लीजिए, यहाँ पे आधे घंटे के बाद हम प्रेशर कुकर को खोलते हैं और ये देखिए आसानी से ये गल चुके हैं। सिर्फ आधा घंटा मैंने इनको प्रेशर दिया, ये मुकम्मल तौर पर सॉफ्ट हो चुके हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे लेंगे कढ़ाई। कढ़ाई में लेंगे कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल की मिकदार है 1.5 प्याली। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे तेजपात 1 अदद, दालचीनी स्टिक 1 अदद जिसको तोड़ लिया है, और साथ ही इसमें जाएगी लौंग 3 अदद। साथ ही इसमें ऐड करेंगे आधा बादियान का फूल। इसी गरम तेल के अंदर हम इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, बिल्कुल 30 सेकेंड्स के लिए। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच और जीरा 1/2 खाने का चम्मच। ये डाल देने के बाद हम एक दफा इसको मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे पिसी लाल मिर्च, जिसकी मिकदार है 1 खाने का चम्मच। खड़े मसाले 30 सेकंड के लिए हमने फ्राई किए और अब हमने यहाँ पर डाल दिया है पिसी लाल मिर्च। और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे पाए, जिनको हमने प्रेशर कुकर में नरम कर लिया है, तो वो उस मसाले समेत हम इसमें डाल देंगे। प्रेशर कुकर में थोड़ा सा मसाला जो रह जाएगा उसमें 1/2 प्याली पानी डालकर अच्छे से तमाम मसाला इसमें डाल देंगे, ताकि जितना भी हमारे पास मसाला है वो जबरदस्त यहाँ पे ऐड हो जाए, कुछ भी वेस्ट ना हो। और यहाँ पे अब हम इसको भून लेंगे। इतना भूनना है कि जो ऑयल है वो अलहदा हो जाए। तो इसको हम तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए भून लेंगे। ये देखिए, हमारे पास बहुत ही जबरदस्त सी ग्रेवी बन रही है और हमने इसमें टमाटर का इस्तेमाल नहीं किया है। ये पाए की रेसिपी हम बिना टमाटर के बनाएंगे। तो ये बिल्कुल मुख्तलिफ सी रेसिपी है और बिल्कुल झटपट आप इसको तैयार कर सकते हैं। भून लिया है इसको, देखिए ऑयल अलहदा हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम इसमें डाल देंगे पानी। पानी की मिकदार आप पे डिपेंड करती है कि आप कितना इसको थिक या आप इसको कितना रनी रखना चाहते हैं। तो हमें थोड़ा सा शोरबा चाहिए, तो हमने इसमें तकरीबन 3 से 3.5 ग्लास पानी डाल दिया। पानी डाल देने के बाद हम इसको बॉइलिंग पॉइंट्स का इंतजार करेंगे। कढ़ाई के किनारे पे जितना भी मसाला लग चुका है उसको भी साथ साथ बराबर चम्मच चलाते हुए उतार कर कढ़ाई में ऐड कर देंगे। अब हम इसको ढक देंगे ताकि हमारे पास जो शोरबा है वो थोड़ा सा थिक हो जाए, क्योंकि हम थोड़ा थिक बनाना चाह रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा थिक हम नहीं बनाएंगे। तो ये देखिए, हमने इसको पका लिया है। तो ये लाजवाब से इस शोरबे के साथ पाए हमारे पास तैयार हो चुके हैं। बस अब हम इसको 3 मिनट के लिए तेज आंच में मजीद इसी तरीके से अनकवर करके पका लेंगे। 3 मिनट के बाद हम चूल्हा बंद करके 5 मिनट के लिए हम इसको ढक देंगे। 5 मिनट के बाद हम चलेंगे सर्विंग के लिए।
लाजवाब से बिल्कुल सॉफ्ट बकरे के पाए यहाँ पर तैयार हो चुके हैं। तो आपने देखा पाए बनाना कितना आसान है, तो ये बहुत ही डिफरेंट आसान सी रेसिपी है। चैनल पे इससे पहले भी बकरे के पाए की रेसिपी मौजूद है, उसका अंदाज मुख्तलिफ है, ये रेसिपी बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में है, तो आप वो रेसिपी भी जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको हमारे चैनल की वीडियोस पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए बेल बटन के साथ, ताकि न्यू नोटिफिकेशंस आपको आसानी से मिल जाएं। तो यहाँ पे हरी मिर्च, अदरक और इसके अलावा गरम मसाला पाउडर के साथ इसको सर्व किया है। तो ये खुशबू से भरपूर लाजवाब से आसान पाए हमारे पास तैयार हो चुके हैं। रेसिपी पसंद आए तो इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। फीडबैक का इंतजार कमेंट सेक्शन में जरूर रहेगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुश रहिए, खुश रखिए। अल्लाह हाफिज़।